केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के झूठे वादे कर जनता को ठगने का काम करती है। यही कारण है कि प्रदेश में ना तो उनसे जनता खुश है और ना ही उनके विधायक खुश हैं। ना तो महिलाओं को 1500 रुपए मिले हैं, ना ही युवाओं को रोजगार मिला है। साथ ही आगामी चुनावों को लेकर मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित कर देगी और भाजपा चारों सीटों पर अपना परचम लहराएगी। इसी दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखिए, ना बहनों को 1500 रुपए मिला, ना 2 रुपए किलो गोबर बिका, ना 100 रुपए लीटर दूध मिला, ना युवाओं को 5 लाख नौकरियां मिली, ना बागवान को मुमांगे दांग मिले, ना जो स्टार्टअप के लिए फंड था वो मिल पाया। तो दिया क्या है कांग्रेस ने? दिया है झूठे वायदे और ठगने का काम किया है। अगर जो जनता को भी संतुष्ट नहीं कर पाया और अपने विधायकों को भी संतुष्ट नहीं कर पाए, तो मैं तो यही कहूंगा, ना जनता संतुष्ट, ना विधायक संतुष्ट, सब है रुष्ट। और अब पलायन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से एक के बाद दूसरा करके। ये होड़ मची है कांग्रेस में कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा पाया जाए। ये कांग्रेस की अंदरूनी कश्मोकश है, अंदरूनी लड़ाई है। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम यही कहते हैं, इन सब के कारण हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है। हिमाचल की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी, अब की बार साफ करेगी और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी।